दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, बरौनी खाद कारखाना फिर से हुआ शुरू। बिहार के किसानों के लिए अब अच्छी खबर सामने आई है। खाद के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेगूसराय में बरौनी खाद कारखाना से न सिर्फ नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन शुरू हो गया है, बल्कि बाजारों में भी यूरिया की सप्लाई शुरू कर दी गई है। दरअसल घाटे की वजह से 1999 में बरौनी खाद कारखाना को बंद कर दिया गया था, लेकिन साल 2017 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बरौनी खाद कारखाना पुनर्निर्माण के लिए शिलान्यास किया गया था, जिसे अब खोल दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इस कारखाने को बनाने के लिए 8,387 करोड़ की लागत दिलवाई गई थी, जिसके बाद बरौनी खाद कारखाना फिर से निर्माण के लिए चालू हो पाया। अगली खबर, बिहार की राजधानी पटना समेत कई जिलों में लगातार वायु प्रदूषण स्तर बढ़ता जा रहा। यहाँ पर कई जिलों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 356 से लेकर 400 तक पहुँच चुका है, जो कि बिहार की आबो हवा के लिए चिंता का विषय है। बिहार में लगातार हार्ट के मरीज इसी वजह से बढ़ रहे। बिहार में इस तरह बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा और कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इससे कोई मतलब नहीं है कि बिहार के शहर जो है कितने प्रदूषित हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि दिल्ली के वायु प्रदूषण की चर्चा पूरे देश में होती है, जबकि देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में 7 जो है बिहार के ही है। अगली खबर, गोपालगंज में पूर्व बाढ़ सदस्य की गला रेत कर हत्या, नहर के किनारे मिला शव। बिहार के गोपालगंज में पूर्व बाढ़ सदस्य की हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पूर्व बाढ़ सदस्य की गला रेतकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक बाढ़ सदस्य वीरेंद्र राम लापता थे, जिसके बाद उनका शव बरामद किया गया है। मृतक का शव सिद्धवालिया थाना क्षेत्र के बुचैया नहर के पास से बरामद किया गया। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। अगली खबर, भोजपुरी सिंगर के कार ने युवक को मारी टक्कर, आक्रोशित लोगों ने जमकर किया बवाल। देर शाम छपरा में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिससे एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल एक कारोबारी अपनी दुकान बंद करके घर जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। कार जो है भोजपुरी सिंगर निशा उपाध्याय की थी। इस हादसे में कारोबारी की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर बवाल काटा। छपरा सिवान मुख्य मार्ग को कई जगह जाम कर दिया गया। एनएस पर टायर जलाकर प्रोटेस्ट किया गया। यह नहीं, स्थानीय लोगों की निशा उपाध्याय टीम के साथ धक्का मुक्की भी हुई और मृतक एकमा का रहने वाला था। अगली खबर, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 10,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र दिया। बीजेपी से नियुक्ति की नौटंकी और नियुक्ति घोटाला बता रही है। बीजेपी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश कुमार से सवाल किया कि वह बताएं कि जिन्हें उन्होंने नियुक्ति पत्र दिया है उसकी बहाली की प्रक्रिया कब हुई थी। बीजेपी ने कहा कि पिछले 3 महीने में बिहार में कोई बहाली प्रक्रिया नहीं हुई है, पुरानी बहाली को ही नई बहाली के रूप में दिखाया जा रहा। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार में शराब माफियाओं का घोटाला और नियुक्ति घोटाला दोनों एक साथ चल रहा, फिर से पहले से नौकरी मिले हुए लोगों को गांधी मैदान में पुनः बुलाकर नौकरी दिया जाता है। अगली खबर, भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका, बीजेपी के कई नेताओं ने छोड़ा साथ, आरजेडी में हुए शामिल। बिहार के पूर्वी चंपारण में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है। संगठन जिला के मंडल पताही के सैकड़ों नेताओं ने बीजेपी की पार्टी छोड़कर आरजेडी का दामन थाम लिया है। बीजेपी मंडल अध्यक्ष अशोक कुमार चौहान, उपाध्यक्ष रामेश्वर ठाकुर, महामंत्री मंडल अध्यक्ष कुमोद मंडल, तिरहुत प्रमंडल सैनिक प्रकोष्ठ प्रभारी चंचल कुमार सिंह, जिला कार्य समिति सदस्य मणिकांत तिवारी समेत पताही मंडल के सभी प्रकोष्ठ के सैकड़ों नेताओं ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के कार्य से प्रभावित होकर आरजेडी ज्वाइन की। अगली खबर, बिहार में कलर्क एवं अमीन समेत 10,000 पदों पर भर्ती की आवेदन की लास्ट डेट पढ़ी। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग कानून को अमीन और कलर्क के 10,101 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब इन पदों के लिए 22 नवंबर 2022 तक आवेदन कर सकते हैं, जबकि पहले अंतिम तिथि 16 नवंबर थी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट onlinebihar.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रिक्त पदों में सहायक बंदोबस्त अधिकारी के 355, कानूनगो के 758, अमीन के 8,244 पद रिक्त हैं। अगली खबर, जम्मू कश्मीर में फिर से बिहार के मजदूर की गोली मारकर हत्या, सोशल मीडिया से हुई शिनाख्त। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रात बगहा के रहने वाले शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बलिस्टर नाम के शख्स का शव सड़क किनारे पड़ा मिला। पुलिस को राहगीरों ने सूचना दी, जिसके बाद श्रीनगर अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम किया गया। शव की पहचान भी सोशल मीडिया की मदद से की गई। श्रीनगर पुलिस ने ट्विटर पर फोटो अपलोड की, जिसके बाद शव की शिनाख्त हो पाई। परिजनों को मौत की खबर भी सोशल मीडिया के जरिए ही मिली, जिसके बाद बलिस्टर के घर में मातम छा गया। मौत की खबर के बाद परिजन श्रीनगर पहुंच चुके हैं। आशंका जताई जा रही है कि आतंकियों ने रात में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। अगली खबर, बिहार में अगले साल चालू होंगे 2 इकोनॉमिक कॉरिडोर, यूपी एवं झारखंड से बेहतर होगा सड़क नेटवर्क। बिहार में 2 इकोनॉमिक कॉरिडोर और पटना में कन्हौली रामनगर सहित 3 सड़कों का करीब 311 किलोमीटर लंबाई में अगले साल निर्माण पूरा हो जाएगा। इसमें से पहला इकोनॉमिक कॉरिडोर औरंगाबाद चोरदाहा है और इसका निर्माण राज्य में करीब 137 किलोमीटर लंबाई में चल रहा।
वहीं दूसरा इकोनॉमिक कॉरिडोर पटना के बख्तियारपुर से रांची की ओर मांझी तक बन रहा। राज्य में इसकी लंबाई करीब 135 किलोमीटर है। इन दोनों इकोनॉमिक कॉरिडोर के बनने से सड़क नेटवर्क से राज्य के औद्योगिक क्षेत्र बेहतर तरीके से आपस में जुड़ जाएंगे। अगली खबर, राज्य के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपराधियों को दी सख्त चेतावनी, कहा कि किसी भी जाति धर्म को देकर छोड़े नहीं, सब पर कार्रवाई करें। उप मुख्यमंत्री ने गांधी मैदान में नवनियुक्त पुलिस कर्मियों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार पुलिस और देश की सेना के त्याग, तपस्या और बलिदान से ही आवाम में अमन चैन है। जनता सुरक्षित महसूस कर रही, बहुत से वैसे लोग को ये बात पच नहीं रही है जो कि क्रिमिनल माइंडसेट के हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि कुछ लोग जंगल राज आ गया की अफवाह फैला रहे, ऐसे लोग हर समय रहे हैं, लेकिन हम आगाह कर देते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ करने वाला होगा तो उसे बख्शेंगे नहीं। अपराध करने वाले चाहे कोई भी हो, कानून सख्ती से निपटेगा। अगली खबर, राज्य में नगर निकाय चुनाव कराने के लिए अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट पर काम करने वाले अति पिछड़ा आयोग के गठन और कार्य प्रणाली पर भाजपा ने प्रश्न चिन्ह लगाया। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं सांसद अजय निषाद और वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री भीम सिंह ने आयोग की सार्वजनिक तरीके से सुनवाई नहीं करने पर चिंता जताते हुए इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ध्यान आकृष्ट किया। पार्टी ने अपात्र और ऊंची जाति के मुसलमानों को इसमें शामिल करने पर आक्रोश प्रकट किया। बीजेपी ने अति पिछड़ा आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुसलमानों को ईबीसी में शामिल करने की साजिश हो रही है, जो कि किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगली खबर, भाजपा ने दिल्ली नगर निगम चुनाव जीतने के लिए बिहार के करीब 1.5 दर्जन दिग्गज पार्टी नेताओं की टीम उतार दी है। टीम के समन्वय का उत्तरदायित्व प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके प्रदीप दुबे को दिया गया है। वहीं राज्यसभा के एक सदस्य सहित 6 सांसद, 3 वर्तमान और 3 पूर्व विधायकों को बिहारी मूल के मतदाताओं को रिझाने समझाने का दायित्व मिला है। दरअसल दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में बिहार की मतदाताओं की संख्या ठीक ठाक है। प्रदीप दुबे के साथ संतोष पाठक दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए बिहार के नेताओं और कार्यकर्ताओं के संयोजन की जिम्मेदारी संभाल रहे। अगली को, राज्यसभा के सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार के समय उर्दू शिक्षक से लेकर दरोगा सिपाही तक जिन 10,000 से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र और प्रक्रिया इसमें पूरी हो चुकी थी, उन्हीं को दोबारा नियुक्ति पत्र बांटने की बाजीगरी से नीतीश कुमार बेरोजगार की आंख में धूल झोंक रहे। ये भी कहा कि गांधी मैदान में कभी गिलास से रुमाल और खाली बर्तन से कबूतर निकालने की बाजीगरी दिखाने वाले मजबा लगाते थे, आज वही नीतीश कुमार फूक मारकर हजारों नियुक्ति पत्र निकाल रहे। अगली खबर, आज शाम 8 बजे से इंडो नेपाल बॉर्डर को सील कर दिया जाएगा। बॉर्डर पर अगले 72 घंटे तक आने जाने पर बिल्कुल प्रतिबंध रहेगा। ऐसा पड़ोसी देश नेपाल में हो रहे चुनाव को देखते हुए दोनों देशों के अधिकारियों ने फैसला किया है। पड़ोसी देश नेपाल में संसदीय चुनाव होना है, ऐसे में सुरक्षा दृष्टि से सीमा सील करने का निर्णय किया गया। अगली खबर, बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ के कई ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है। समीर महासेठ के पटना आवास सहित कंस्ट्रक्शन कंपनी पर छापेमारी की गई। समीर महासेठ आरजेडी कोटे से नीतीश कैबिनेट से मंत्री हैं और इनका पुराना व्यवसायिक काम भी रहा है। इनके पिता भी विधायक थे। समीर महासेठ एमएलसी भी रह चुके हैं। समीर महासेठ के बोरिंग रोड में समीर महासेठ का घर, आर ब्लॉक में आम्रपाली कैफे स्थित ऑफिस, कैफे वाली कैंपस में ही साकार कंस्ट्रक्शन, इसमें समीर महासेठ का साला पार्टनर है। इन सभी जगहों पर छापेमारी की जा रही। अगली खबर, पूर्व सांसद आनंद मोहन 15 दिनों के पैरोल पर बाहर है। 20 नवंबर को पैरोल खत्म हो रही है। गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या के आरोप में लोअर कोर्ट से फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन लोअर कोर्ट की सजा को हाईकोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया। बड़ी बात यह कि 20 नवंबर को आनंद मोहन की पैरोल खत्म होगी। उसी दिन उनके बेटे राजद के विधायक चेतन आनंद का जन्मदिन भी है, यानी एक तरफ आनंद मोहन जेल की तरफ फिर से जा रहे होंगे और दूसरी तरफ चेतन का जन्मदिन मन रहा होगा। तो दोस्तों, बिहार की ताजा खबरों में अभी के लिए इतना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे।